माइक्रोटेक इन्वर्टर के मदरबोर्ड के ऊपर एक ट्रैक लगा हुआ है BT136। BT140 यहाँ पर, 136, BT137, BT138, BT139 या PT140 हो सकता है। इसका पहला टर्मिनल MT1, दूसरा MT2, तीसरा गेट बैटरी चार्जिंग सर्किट में यूज़ किया गया है। बैटरी चार्जिंग का रिले ऑन होने के बाद MT1 टर्मिनल के ऊपर 220 वोल्ट और MT2 टर्मिनल के ऊपर आउट 125 वोल्ट, या इसका उल्टा भी हो सकता है। इसका MT1 और MT2 टर्मिनल बिना वोल्टेज दिए सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा चेक करेंगे। इन्वर्टर के किट को कोई वोल्टेज नहीं दिया है, बैटरी कनेक्ट नहीं किया गया है, न नेगेटिव न पॉजिटिव। सीरीज टेस्ट लैंप डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट कनेक्ट करने के बाद लैंप ग्लो होना चाहिए, ये लैंप ग्लो हो रहा है। हीट सिंक के साथ देखते कौन सा है। हीट सिंक के साथ कोई कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब हीट सिंक और ट्राइक के बीच में इंसुलेशन दिया हुआ है। MT1 टर्मिनल ब्लैक वायर, MT2 पॉजिटिव, लैम्प ग्लो नहीं हो रहा है। MT1 नेगेटिव, MT2 पॉजिटिव, यहाँ लैम्प ग्लो हो रहा है। ये सीरीज टेस्ट लैम्प है। सीरीज लाइटिंग के दो बल्ब निकाल कर उनको सीरीज में किया हुआ है और 12 वोल्ट अनरेगुलेटेड सप्लाई इसे दिया गया है। एक में पॉजिटिव, एक में नेगेटिव। सीरीज लैम्प किसी में भी जोड़ सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव किसी में भी जोड़ सकते हैं। अब इसको इंटरचेंज करेंगे। पहले टर्मिनल को रेड देंगे और तीसरे को नेगेटिव देंगे। इस कंडीशन में भी लैम्प ग्लो हो रहा है। ट्राइक शार्ट नहीं है, शार्ट रहता था तो MT1 और MT2 के बीच में कंटिन्यूटी बताता था, लैम्प ग्लो होता था। इसके बाद आगे चेक करेंगे बैटरी चार्जिंग के और चेंज ओवर के लिए। ये बैटरी चार्जिंग का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, लैम्प ग्लो हो रहा है। दोनों रिले चैटरिंग कर रहे हैं, दोनों रिले बैरल में चेंज ओवर का और बैटरी चार्जिंग का। थोड़ा क्लियर दिखाता हूँ। लैम्प को थोड़ा पीछे रख देते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल रिले का, ये टर्मिनल जो ट्रांजिस्टर को जाता है CN100 या BC547 को। यहाँ सीरीज में टेस्ट लैम्प ग्लो हो रहा है और साथ में रिले भी ऑन हो रहे हैं। रिले ऑन होते हुए दिखेगा आपको। ये चार्जिंग वाला रिले ऑन हो रहा है, साथ में चेंज ओवर वाला रिले भी ऑन हो रहा है।
दोनों रिले ऑन होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद इसके मासपेट चेक करेंगे। मासपेट चेक करने के लिए प्लेट को टर्न करना पड़ेगा। यहाँ पर एक मासपेट लगा हुआ है। टोटल चार मासपेट की अरेंजमेंट है। पहला उसका गेट, दूसरा ड्रेन, तीसरा सोर्स। ड्रेन लाइन वन और ड्रेन लाइन टू में 12-12 वोल्ट या 9-9 वोल्ट आता है। सेंटर टेप के बैटरी का सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के पॉजिटिव को, बैटरी के सेंटर टेप को बैटरी का पॉजिटिव। ये गेट, यहाँ टेस्ट थोड़ा पीछे ले लेता हूँ। ये टेस्ट लैंप, बैटरी का 12 वोल्ट का पॉजिटिव अभी गेट को लगाया है। सोर्स को लगाने के बाद लैंप ग्लो हो रहा है। एम्प्टी ड्रेन को लगाते, ड्रेन को लगाने के बाद भी ग्लो हो रहा है। ड्रेन और सोर्स देखेंगे। ड्रेन और सोर्स में ग्लो हो रहा है। रिवर्स करेंगे, ड्रेन को नेगेटिव लगाएंगे, सोर्स को पॉजिटिव लगाएंगे। इस कंडीशन में भी ग्लो हो रहा है। ये मॉस्फेट शॉर्ट है। जब मॉस्फेट अच्छे कंडीशन में रहेगा तो ड्रेन सोर्स आपस में शॉर्ट नहीं बताना चाहिए। एक अच्छा मॉस्फेट चेक करके बताता हूँ। ये ट्रैक है, इससे पहले ट्रैक को चेक कर लेंगे। बैटरी चार्जिंग सर्किट का ट्रैक, MT1 MT2 शॉर्ट नहीं है। MT2 MT1 इंटरचेंज किया, ये शॉर्ट नहीं है। गेट के साथ में MT1 कंटिन्यूटी बता रहा है, MT2 के साथ में कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। इसको रिवर्स करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल गेट के ऊपर, ये MT2 पे नहीं है, MT1 में बता रहा है। पीछे का मॉस्फेट चेक करेंगे। ड्रेन लाइन टू के ऊपर का मॉस्फेट, इसके लिए टेस्ट लैंप बाजू में रख देते। ये गेट और सोर्स शॉर्ट बता रहा है, गेट और ड्रेन शॉर्ट नहीं बता रहा है। इंटरचेंज करेंगे, गेट के ऊपर पॉजिटिव, सोर्स के ऊपर नेगेटिव नहीं, ड्रेन के ऊपर नहीं। ड्रेन और सोर्स को चेक करेंगे, ये नहीं बता रहा है। ड्रेन के ऊपर नेगेटिव और सोर्स के ऊपर पॉजिटिव लगाने के बाद ये ग्लो हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक रिवर्स कनेक्टेड डायोड रहता है जो चार्जिंग के टाइम पे काम में आता है और मॉस्फेट को उड़ने से बचाता है। जब पल्स चेंज होते हैं तो रिवर्स कनेक्टेड डायोड ड्रेन और सोर्स में आने वाले रिवर्स वोल्टेज को बाईपास कर देता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।